नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। फनी कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फनी कॉन्सेप्ट्स क्लासेस गणित विषय के लिए बेहद मशहूर है और आपकी सहायता के लिए फनी कॉन्सेप्ट्स क्लासेस ने गणित विषय के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इसके साथ ही सामान्य हिंदी की भी कक्षाएं शुरू की है, जिसमें मैं प्रिया श्रीवास्तव आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज हम शब्द रचना को पढ़ाएंगे और ये सामान्य हिंदी की 12वीं कक्षा है। इससे पूर्व की कक्षाएं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को देखते वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द रचना। सामान्य हिंदी की 11वीं कक्षा में शब्द रचना को पढ़ते वक्त हमने आपको उत्पत्ति और जन्म के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी, संकर शब्दों के बारे में बताया था और इसके साथ ही रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को बताया था। इसके आगे की श्रृंखला में हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द रचना, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द रचना और काव्य शास्त्रीय आधार पर शब्द रचना को बताएंगे और इनके उपभेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द रचना कैसे होती है। अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि हमें चार शब्द दिखाई पड़ते हैं। जैसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्याय माने हम जानते हैं कि समान अर्थ देने वाले, समानार्थी शब्द भी हम इन्हें कहते हैं। समानार्थी यानी एक जैसा ही शब्द देने वाले, एक जैसे ही शब्द का अर्थ देने वाले। जैसे जब हम कहते हैं पानी, तो पानी का मतलब पीने वाला पानी है, लेकिन पूजा के अर्थ में हम उसी पानी को जल कह देते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है, कहते ना जल चढ़ाइए, जब इसी तरह पूजा समाप्त हो जाती है तो हम उसे अमृत या फिर चरणामृत कह देते हैं। बादल जब पानी बरसाते हैं या काव्य रूप में हम उसे नीर कह देते हैं। लेकिन कुल मिला के एक ही शब्द है, एक ही ऑब्जेक्ट बता रहा है, वो है पानी। तो इसी तरह पानी के कई शब्द हो गए जो पर्यायवाची हैं, जैसे जल, अमृत, नीर। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं। इसके बाद विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत। तो जिन शब्दों से, जिन शब्दों के साथ हम विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। ये हमेशा जोड़ों में होते हैं, जैसे दिन रात। दिन का विपरीत क्या है? रात। और ये एक साथ ही बोले जाएंगे, है ना। जैसे वो दिन रात मेहनत करता है, तो यहाँ दिन और रात जो है विलोम शब्द है। अपना पराया, सुख दुख, तो ये सारे विलोम शब्द हैं जो कि अर्थ के आधार पर रखे गए हैं। इसी के बाद आते हैं आपके समरूप शब्द। समरूप यानी समान रूप वाले। अब किस में समान, किस चीज में समान? अर्थ में समान अगर हो जाएंगे तो पर्यायवाची हो जाएंगे, और जब उच्चारण स्थान के अनुसार ये समान शब्द होंगे तो हम उन्हें समरूप शब्द कहेंगे। इसमें उच्चारण स्थानों की उच्चारण, उच्चारित करने में समानता रहती है। तो जब उच्चारित एक सा होगा तो उसे हम समरूप शब्द कहेंगे। जैसे एक शब्द है निर्धन और एक है निधन। अब देखने में, पढ़ने में या कई बार देखिए निर्धन निधन एक सा ही लग रहा है, तो साकल और सकल ये एक से ही लग रहे हैं, लेकिन अर्थ भिन्न है इनके। जैसे निर्धन का मतलब गरीब है और निधन का मतलब है मृत्यु। इसी तरह सकल का मतलब है पूरा, सकल ब्रह्मांड, है ना। और साकल का क्या मतलब होता है? सिटकनी वाला साकल लगा दो, है ना। तो इस तरीके से इनके अर्थ तो अलग होते हैं, इसलिए ये ही पर्यायवाची से भिन्न है, क्योंकि इनके अर्थ समान नहीं है, अर्थ भिन्न है, लेकिन उच्चारित होने में ये लगभग एक से लगते हैं। तो जब ये उच्चारित होने में एक से लगते हैं तो इन्हें हम समरूप शब्द कहते हैं। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। चौथा है अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होंगे। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाले। जैसे एक शब्द है गुरु, तो गुरु क्या है? गुरु में हम गुरु को हम शिक्षक भी समझते हैं कि भाई वो हमारे गुरु हैं। गुरु एक ग्रह भी है, जैसे बृहस्पति, या गुरुवार तो एक दिन के रूप में भी गुरु माना जाता है। और इसी तरीके से गुरु का मतलब भारी भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं विकार या प्रयोग के आधार पर। तो विकार या प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी या स्वविकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। हमने आपको बताया था कि विकार का मतलब होता है जो प्रयोग के आधार पर जिनमें रूप परिवर्तन हो, यानी जो परिवर्तित होने का गुण रखते हैं उन्हें ही हम विकारी शब्द
कहते हैं। और इसमें क्या आएगा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा क्या होता है, राम, श्याम, लड़का, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। और यही संज्ञा शब्दों में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो सर्वनाम के रूप में दिखते हैं। और इसका हमने एक बहुत आपको रोचक उदाहरण दिया था फिल्म बाहुबली का, कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। तो अमरेंद्र बाहुबली क्या था, संज्ञा थी, और यानी मैं, तो ये जो परिवर्तन हुआ संज्ञा से इस मैं में, वही सर्वनाम हुआ। तो इसी तरीके से जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो सारे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे संज्ञा है तो राम हो गया या लड़का हो गया, सर्वनाम में ये मैं हो जाएगा, विशेषण में ये अच्छा हो जाएगा। अब जैसे एक अच्छा लड़का, ठीक है, और अब कैसे ये विकारी है विशेषण, जब लड़की होगा तो ये अच्छी बन जाएगा। तो यानी शब्द बदल गया, ये मूल रूप में नहीं रहा, ये परिवर्तित हो गया। अब लड़का जाता है, लड़की जाती है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो इनके शब्दों में मात्रा अनुसार, जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अब क्रिया क्या है, जाना है, लेकिन लड़का जाता है और लड़की जाती है, तो इस क्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, ये विकारी शब्द हो गए। अब दूसरा है अविकारी। अ माने नहीं है, विकारी यानी बदले नहीं जाते हैं, जो मूल अर्थ में रहते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी तीन प्रकार के माने गए हैं, जैसे संबोधन वाची अव्यय। अव्यय का मतलब ये होता है, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, यानी जिनका खर्चा नहीं होता है, ये एज इट इज बने रहते हैं, अपने स्थान पे एज इट इज बने रहते हैं, इनका व्यय नहीं होता है, इनका क्षरण नहीं होता है, ये मूल रूप में होते हैं, उन्हें ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे संबोधन वाची अव्यय, संबोधन यानी किसी को बुलाने में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो ऐसे शब्दों को हम संबोधन वाची अव्यय कहते हैं। अब इन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे हे, ओ, अरे, या अल्लाह, या खुदा। तो ये जो हे, ओ, अरे है, अगर आप किसी भी जेंडर के आगे लगा दें, या मैं बोलूंगी अरे तो भी मैं अरे ही बोलूंगी, अरे मैं जाती हूँ, और कोई लड़का बोलेगा तो भी वही बोलेगा अरे मैं जाता हूँ, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए ये अविकारी है। तो ये हो गया आपका संबोधन वाची अव्यय। फिर संबंध वाची अव्यय में, संबंध यानी वही है, दो या दो से अधिक पारस्परिक जब संबंध दिखाएगा तो वो संबंध वाची अव्यय होगा। जैसे कहते हैं ना, इस प्रश्न में चार अथवा पांच, इन दोनों में से आपको एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो प्रश्नों में संबंध हमने दिखाया, या तो चार चार कर लो प्रश्न नंबर, या तो पांच कर लो। तो ये जो या है, अथवा है, ये संबंधवाची अव्यय शब्दों में आते हैं, या अविकारी शब्दों में आते हैं। इसी तरह समुच्चयवाची अव्यय में जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तो ये सारी चीजें समुच्चयवाची अव्यय में आते हैं। फिर आता है आपका क्रिया विशेषणवाची अव्यय। जैसे क्रिया क्या है, होती है, जैसे विशेषण क्या है, जोर से चिल्लाया, तो जोर क्या है, विशेषण है, तेज से भागा, तेजी से भागा, धीरे धीरे, है ना। तो ये क्रियावाची अव्यय में आते हैं, कि जोर से, धीरे धीरे, तेजी से। तो ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, अविकारी शब्द में आएंगे, विकार या प्रयोग के आधार पर इस शब्द में आएंगे। फिर हम देखते हैं एक तीसरा रूप काव्यशास्त्रीय आधार पे। काव्यशास्त्रीय आधार पर तीन भेद माने गए हैं शब्दों के, जिनमें से अभिधा, व्यंजना, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। इन्हें हम शब्द शक्ति के रूप में भी जानते हैं। तो हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते होंगे तो उसका जो काव्यगत सौंदर्य होता है, तो कई बार हम इन्हें ही शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं। जैसे अभिधा माने क्या होता है, अभिधा माने होता है कि किसी भी शब्द का एक वाक्य जो होगा, उसमें जो शब्द होंगे उनका सार्थक और सीधा अर्थ निकलेगा, शाब्दिक अर्थ निकलेगा। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो अब बोला हमने रहीम अच्छा लड़का है, या हम बोल रहे हैं रहीम बुरा लड़का है, तो इसमें कोई अलग, जैसे कहते हैं ना, कमेंट या मुहावरा या तानेबाजी ऐसे नहीं दिखाई देगा। इसमें हमें बिल्कुल सीधा पता पड़ रहा है कि हाँ, रहीम अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का है। तो इस तरीके से जितने भी वाक्य होंगे जो सीधा अर्थ देंगे, स्पष्ट होंगे, वो अभिधा में आते हैं। अब इसी तरह लक्षणा क्या होता है, लक्षणा में वे शब्द आएंगे जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं, प्रयोजनवश कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। इसमें सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि एक अन्य अर्थ देंगे। जैसे शाब्दिक अर्थ तो अभिधा हो गई, अब जैसे लक्षणा क्या है, जैसे राजेश बिल्कुल गधा है,
तो अब गधा क्या मतलब, आदमी क्या कभी गधा हो सकता है? नहीं, गधा तो जानवर होता है। यहां गधा का मतलब होगा मूर्ख, ठीक है? तो मूर्ख क्या है, अन्य अर्थ है, दूसरा अर्थ दिया। या कहते हैं ना कि जो प्रवीण है वो तो अपनी कक्षा का शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य का मतलब क्या शंकराचार्य होगा? नहीं, शंकराचार्य का मतलब है कि भाई वो बिल्कुल पंडित है, बिल्कुल किसी भी विषय में उस बहुत ज्यादा वो ज्ञान रखता है, विद्वान है। तो यहाँ शंकराचार्य का मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान आदमी, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे जो गधा शब्द है, या फिर कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल गोबर गणेश है, तो गोबर गणेश का क्या मतलब है, बिल्कुल बेवकूफ है। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे और उसे हम क्या कहेंगे, लक्षणा शब्दों में रखेंगे, कि अन्य अर्थ दे रहे हैं, ये सीधा अर्थ नहीं देके एक अन्य अर्थ दे रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा भेद होता है इसका व्यंजना। इसमें क्या होता है, ना तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है, ना ही प्रयोजन वश दूसरा अर्थ निकलता है। इसमें एक अन्य अर्थ होगा, बिल्कुल दूसरा ही अर्थ निकलेगा। ये बिल्कुल अभिधा और लक्षणा से बिल्कुल अलग सिचुएशन बेस अर्थ देने वाले होंगे। जैसे अगर कोई चोर चोरी करने के लिए निकला है और दो चोर निकले हैं, और एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि सुनो रात कितनी अंधेरी है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जो चोर है उसके कहने का अभिप्राय है कि वाह भाई आज तो रात चोरी करने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार रात है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल लक्षणा और अभिधा से अलग अर्थ देगा सिचुएशन बेस, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी उसके हिसाब से अलग अर्थ देगा, उसे हम व्यंजना कहते हैं, या इसे व्यंगार्थ के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा शब्द रचना के बाकी के तीन भाग, उनके उपभेद। इसके साथ ही ये शब्द रचना समाप्त होती है। शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, और इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।